धन्यवाद अध्यक्ष जी। इसमें जो विषय है आज का जो मेरे पास में भेजा गया है ये फैक्ट्री से संबंधित है, ये एक लाइटों वाला है, वही है फैक्ट्री से संबंधित। मैं कल बोल चुका था और लेबर चाइल्ड वाला है, है? लेबर चाइल्ड वाला, लेबर चाइल्ड वाला। चलिए आज फिर दोहरा देता हूं मैं, चाइल्ड लेबर के नाम के ऊपर फैक्ट्रियों के अंदर रेड की जाती है। मैं कोई शक में नहीं कि चाइल्ड लेबर को कोई भी व्यक्ति रखे, लेकिन ठेकेदारों के प्रति जो भी वो व्यक्ति रखते हैं वो ठेकेदार रखता है, लेकिन फैक्ट्री के अंदर पकड़ा जाता है तो वो फैक्ट्री मालिक दोषी हो जाता है। कोई बात नहीं, नियम के तहत दोषी है वो, लेकिन नियम के तहत यदि फैक्ट्री मालिक उसी समय में वो जुर्माना भर लेता है तो उसकी डीसील भी उसी समय में होनी चाहिए। इस केस के अंदर वीरवार के दिन फैक्ट्री सील होती है, सोमवार के दिन उसको जुर्माने, शुक्रवार के दिन उसको जुर्माने की राशि बता दी जाती है और पार्टी डीडी बना के ऑफिस में पहुंच जाती है। ऑफिस में उससे डीडी लिए नहीं जाते कि अभी तक हमारे पास एफआईआर की कॉपी नहीं आई। ये तो डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी है एफआईआर की लेना, और नियम के तहत कोई भी आपने अरेस्ट किया है तो उसको अरेस्ट भी 24 घंटे के अंदर अंदर तो एफआईआर वैसे ही होती है। तो उस किस नियम के तहत उन बच्चों को वह कैद रखा गया और एफआईआर का वो क्या टाइम रहा? जब पार्टी ने आपके कहे के मुताबिक वो पैसे भर दिए तो डीसील उसी समय में होनी चाहिए। मैं मान्य श्रम मंत्री जी यहां पर बैठे हैं, इनका ध्यान दिलवाना चाहता हूं और इसमें स्पष्टीकरण भी चाहूंगा, और ऐसे अधिकारियों को आप अपने पास में बुलाएं और उनको दिशा निर्देश दे, क्योंकि ये छोटी छोटी फैक्ट्री है, दिल्ली की जान है, ये लोगों को काम दे रही है, राजस्व दे रही है, और इस प्रकार से इन फैक्ट्रियों को यदि तंग किया जाएगा, अफसरशाही मची रहेगी तो वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। शुक्रवार को डी सील नहीं की, शनिवार को डी सील नहीं की, इतवार को कर नहीं सकते, सोमवार के दिन भी शाम के टाइम में उसको डीसील किया गया है, जब उनकी जेब के अंदर वो कुछ ना कुछ डाल दिया गया, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इस सदन के माध्यम से मैं आपसे यही अनुरोध करता हूं कि माननीय श्रम मंत्री जी इस पर संज्ञान लेते हुए यदि स्पष्टीकरण देंगे तो लोगों के अंदर वो विश्वास बना रहेगा, और इस अफसरशाही से जो गलत, बहुत से अफसर बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं, ये नहीं है कि सभी के सभी दोषी है, बहुत अफसर है कि दिल्ली सरकार को बहुत अच्छे से चलते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन इस समय के अंदर दुर्भाग्यपूर्ण है कि बहुत ज्यादा संख्या ऐसी भी है कि जो दिल्ली के कामों को रोकने का, इन लोगों को तंग करने का जिन्होंने बीड़ा उठा रखा है। आपने मुझे इस विषय में बोलने का मौका दिया, आपका मैं धन्यवाद करता हूं, और माननीय मंत्री जी को आप कहेंगे तो इस पर स्पष्टीकरण।